अक्सर लोग एक से बढ़कर एक फल खाते हैं ताकि वो अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकें और कीमत की भी चिंता नहीं करते, बस फलों को खरीद लेते हैं ताकि उनके चेहरे की चमक और स्वास्थ्य हमेशा तरोताजा रहे। और फलों पर नजर डालें तो बहुत महंगे महंगे फल आते हैं, लेकिन जिस फल की कीमत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस फल को खरीदने के लिए 2-4 हजार रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए चाहिए और इस फल का नाम है अनानास। दिखने में तो ये बिल्कुल साधारण अनानास जैसा है, लेकिन इसको अच्छे अच्छे रईस नहीं खरीद पाते। इसे लकटकिया अनानास भी कहते हैं। एक अनानास को उगाने में लाख रुपए की लागत आती है, पूरे 1 लाख रुपए। ये सुनकर एक बार आपको जरूर झटका लगा होगा, लेकिन ये सच है। इंग्लैंड के लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन में एक अनानास को उगाने में इतनी ही लागत आती है। इसे तैयार होने में करीब 2 से 3 साल का वक्त लगता है। इस फल का नाम हेलिगन अनानास है, जो बगीचे के नाम पर ही रखा गया है। बता दें कि अनानास विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीज और पोटेशियम जैसे मिनरल्स का एक बड़ा स्रोत है। खासकर सर्दियों के मौसम में ये सेहत के लिए एक बेहतरीन फल माना जाता है। हेलिगन अनानास का नाम उस बगीचे के नाम पर ही रखा गया है जहां इंग्लैंड के कार्नवाल में ये उगाए जाते हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक इसे साल 1819 में ब्रिटेन लाया गया था। जल्द ही बागवानों को ये पता चला कि इंग्लैंड की जलवायु खेती के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये तरकीब निकाली। विशेष लकड़ी के गड्ढे के आकार के बर्तनों को डिजाइन करके और इसे पोषण देने के लिए सड़ी हुई खाद की ताजा आपूर्ति को एक और बैकअप हीटर से जोड़ दिया। गर्मी हवा को गर्म करती है जो दीवार में झरोखों के माध्यम से गड्ढों में प्रवेश करती है। दावा किया जाता है कि इसके अनानास को उगाने में तकरीबन 1 लाख रुपए तक की लागत आती है। इसे उगाने वाले अधिकारियों के मुताबिक वे इस फल की बिक्री नहीं करते बल्कि इसे हाई प्रोफाइल लोगों को गिफ्ट में देते हैं। हालांकि उनका अंदाजा है कि अगर इस फल की नीलामी की जाए तो सिर्फ एक अनानास 10 लाख रुपए तक की आमदनी करा सकता है। गार्डन के अधिकारियों ने अनानास मिलने के करीब 60 से 70 सालों के बाद इसकी खेती की शुरुआत साल 1991 में की। उन्होंने कहा कि जब हमने सही विक्टोरियन तकनीकों को सीख लिया है तो ये हमारे बागवानों और आगंतुकों के लिए वास्तव में फायदेमंद प्रक्रिया है। हेलिगन वेबसाइट ने आगे कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को विक्टोरियन ग्रीन हाउस में उगाया गया दूसरा अनानास उपहार में दिया गया था। हेलिगन गार्डन्स ने पहले वाले अनानास को सिर्फ ये जांचने के लिए खाया था कि कहीं इसका स्वाद बेकार तो नहीं हुआ है, कि कहीं इसका स्वाद बदल तो नहीं गया है। बता दें कि प्रिंस चार्ल्स भी 1997 में इस अनानास फल को देखने के लिए गार्डन का दौरा करने आए थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।